हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नंबर के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटो कैड में लेयर मैनेजमेंट को कैसे यूज करते हैं, लेयर मैनेजमेंट का क्या यूज है, सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इजी स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टीडीपी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऑटो कैड का सीरीज आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द लाने वाला हूं, तो आज से जो है आप लोगों के लिए अब ऑटो कैड का सीरीज जो है रेगुलर रहने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग इसी प्लान का जो ड्राइंग है ऑटो कैड में, इसपे हम लोग लेयर मैनेजमेंट करेंगे। इसमें कैसे हम लोग लेयर मैनेजमेंट का यूज करते हैं, लेयर मैनेजमेंट क्या है, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटो कैड की दुनिया में। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेयर मैनेजमेंट का यूज जो है क्यों करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेयर मैनेजमेंट का यूज इसलिए हम लोग करते हैं, कोई भी ड्राइंग आप लोग ऑटो कैड में ड्रॉ करते हो उसको इजी बनाने के लिए। अब आप लोग पूछोगे कि सर क्यों, इसको कैसे इजी बनाया जाता है लेयर मैनेजमेंट से, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हम लोग पहले ड्रॉइंग करते थे, तो हम लोगों को अगर टेक्स्ट का अगर यहाँ पे कलर उसका फ्रंट चेंज करना होता था, तो स्पेशली हम लोग डबल क्लिक करके इस पे हम लोग यहाँ पे हम लोग चेंज किया करते थे। अब हम लोग डायरेक्ट लेयर मैनेजमेंट वहाँ पे बना लेंगे और लेयर मैनेजमेंट को अप्लाई इस ड्राइंग पे करेंगे। उससे क्या होगा कि मेरा जो ड्राइंग का आप जिस तरह का ड्राइंग रखना चाहते हो, उसको किस कलर में रखना है, कंटिन्यूअस लाइन में रखना है, कोई सा भी लाइन में रखना है, तो आप वहां पे रख सकते हो। अब चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बेडरूम जो लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो कि बेडरूम का कलर यहाँ पे कोई दूसरा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते थे, इस पे डबल क्लिक करके वहां से कलर चेंज किया करते थे। अब ऐसा नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यही लेयर मैनेजमेंट जब क्रिएट हम लोग करेंगे बनाएंगे, मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे लेयर मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं, तो जो भी आप क्रिएट करोगे वो सारा क्रिएशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बेडरूम लिखा है, ये जो है पर्पल कलर दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पर्पल कलर ही आएगा। तो लेयर मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग वहां पे ऐड कर लेते हैं कि उसको आप कौन क्या रखना, कौन सा कलर रखना चाहते हो, फिर उसका जो है आप लाइन कौन सा रखना चाहते हो, कंटिन्यूअस लाइन रखना चाहते हो या कोई सा भी लाइन रखते हो। आप लोगों को जैसा कि याद होगा, मैंने आपको एक ड्रॉइंग में भी बताया था हम लोग लाइन को कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग लाइन प्रॉपर्टी में जाके वहां से चेंज करके इसमें हम लोग लाइन को ऐड किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लेयर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सारा सेटिंग कर लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे सारे ड्रॉइंग में। इससे क्या होगा कि हम लोगों का ड्रॉइंग जो है जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा और टाइमिंग भी बहुत कम लगने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि लेयर मैनेजमेंट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और उसको अप्लाई कैसे यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस ड्रॉइंग को इसी तरह का ड्रॉइंग हम लोग आगे करने वाले हैं। कलर जो है यहाँ पे आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस ड्रॉइंग का सारा जो कलर है मैंने सारा हटा दिया है। अब हम लोग लेयर मैनेजमेंट के यूज से कैसे ड्रॉइंग का जो है कलर लाएंगे और लेयर मैनेजमेंट को कैसे क्रिएट करके वहां से इसका फ्रंट रूम सब चेंज करेंगे, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कमांड यहाँ पे होता है लेयर मैनेजमेंट, और इसका शॉर्टकट की होता है LA, तो आपको सिंपल सा कीबोर्ड का LA आपको टाइप करके एंटर या स्पेस का यहाँ पे यूज कर लेना है। जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने लेयर जो मैनेजमेंट है मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से लेयर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेयर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से आप नया लेयर को क्रिएट कर सकते हो, या अल्ट प्लस एन को भी प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारा जो लेयर है क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सामने एक नया जो लेयर क्रिएट हो चुका है। तो चलिए मैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट करते हैं। तो लेयर का यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि आप इस लेयर का क्या नाम देना चाहते हो, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बेडरूम
का भी लेयर, मैं सिंपल सा एक आप लोगों को ड्राइंग के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब मिलेगा तो वो आपको सिंगल सिंगल हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये है हम लोग छोटा सा एक अपार्टमेंट का ये जो है प्लान है, तो इसमें हम लोग लेयर मैनेजमेंट का यूज़ करने वाले हैं। कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो वहाँ पे आप अपना लेयर का नाम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट लिखते हैं बेडरूम, तो बेडरूम यहाँ पे आपको जल्दी से टाइप करना है। बेडरूम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेयर का हम लोगों ने नाम लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको मैं सारे चीज समझा देता हूँ। दोस्तों आप लोग, जैसा कि आप लोगों को एक बॉल का निशान का यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो इस बॉल के निशान पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो बेडरूम पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वो बेडरूम आपका वहाँ से हट जाएगा। तो ये है, आपको हटाना और लाना हो तो बॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा या आ जाएगा। तो ये है। तो सेकेंड वाले पे जो लाइट का निशान यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इस लाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि उसका जो कलर आपने ऊपर से डाला है वो कलर ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ से ये कलर ऑन ऑफ होगा। अगर आप इस लेयर को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से लॉक कर सकते हो। वो जो है आपका लेयर हमेशा के लिए लॉक हो गया, मतलब आपने अगर उस लेयर पे रेड कलर डाला तो वो रेड ही रहेगा। जब तक यहाँ से अनलॉक नहीं करोगे तब तक यहाँ से वो रेड का येल्लो नहीं होगा। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कलर का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो कलर से आप यहाँ पे का जो भी कलर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये कलर रख सकते हो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बेडरूम का जो कलर यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो वो साइन कलर मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे अब जो बेडरूम का जो भी हम लोग बेडरूम पे अप्लाई करेंगे वो मेरा साइन कलर का ही लिखा आएगा। तो आपको जो भी कलर यहाँ पे डालना हो वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आगे जो देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये जो है हम लोगों का, अगर लाइन आपको कंटिन्यूअस रखना है तो यहाँ से आप कंटिन्यूअस रख छोड़ सकते हो, या आपको अगर मान के चलो यहाँ पे कोई और लाइन रखना है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का जो लाइन टाइप है यहाँ पे कंटिन्यूअस है। जैसा कि हम लोग लाइन टाइप पहले भी लाते थे जो कि उसका कमांड हुआ करता था लाइन टाइप, और उसका शॉर्टकट हुआ करता था LT का। जैसे ही LT प्रेस करोगे तो सेम इंटरफेस आपके सामने यही खुलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग लोड करते थे, कोई भी लाइन को लोड करना हो तो यहाँ पे लोड करते थे, और इसमें जो लाइन भी हम लोग को चाहिए था वो लाइन हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करते थे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है कि कोई भी आप लाइन सेलेक्ट करो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओके प्रेस किया, और आपको अगर ये लाइन रखना था तो इस पे लाइन पे सेलेक्ट करके ओके प्रेस किया करते थे, लेकिन हम लोगों को कंटिन्यूअस ही रखना है, इसलिए कंटिन्यूअस रख के यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हम लोगों का जो भी लाइन होगा वो कंटिन्यूअस में ही आएगा। अब जैसे कि बेडरूम अगर हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी रखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस वाला लाइन वहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये है, यहाँ पे आप लाइन टाइप अपना चेंज कर सकते हो। और आगे देख सकते हो कि लाइन वेट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो लाइन वेट का जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आप लाइन को मोटा या पतला कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, आप इसको ट्रांसपेरेंस भी कर सकते हो, तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है। फिर आगे जो है ये सब ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों को जनरली जो है यहाँ पे लेयर क्रिएट करना था, तो हम लोगों ने लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। फिर से हम लोग लेयर क्रिएट करते हैं, तो फिर से लेयर क्रिएट करने के लिए Alt+N को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने जो है नया लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा लेयर का यहाँ पे नाम देंगे, तो नाम देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोगों को किचन रखना है, तो यहाँ पे आपको किचन टाइप करना है, तो किचन आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने किचन टाइप कर लिया। तो आप यहाँ पे किचन का कलर मान लो आप यहाँ पे ग्रीन देना चाहते हो, तो ग्रीन पे सेलेक्ट करके आप ओके प्रेस कर लेना है। तो हम लोगों का जो किचन का आप जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे ग्रीन होने वाला है। तो हम लोग फिर से एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, तो लेयर क्रिएट करने के लिए फिर इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो फिर से लेयर मेरा क्रिएट हो चुका है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर का नाम लिख देना है, तो लेयर का मान लो यहाँ पे बालकोनी। मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने बालकोनी लिख लिया है। बालकोनी का अब यहाँ पे कलर यहाँ पे हम लोग कोई सा भी ले देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीटा कलर यहाँ पे ले लिया है, ओके प्रेस आपको कर लेना है। तो हम लोगों का बालकोनी का जो अब कलर होने वाला है वो मैग्नीटा कलर होने वाला है। अब चलिए हम लोग फिर से एक नया लेयर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे नया लेयर के लिए क्लिक करेंगे, और फिर से आपको यहाँ पे अब जो है टॉयलेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो टॉयलेट का हम लोग नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टॉयलेट का जैसे ही नाम लिख लेंगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर
कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और जो कलर आपको रखना है यहाँ पे आप अपना रख सकते हो। अब मान के चलो मेरे को ब्लू कलर रखना है तो ब्लू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आपको रख लेना है, ओके प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे लाइन अगर रखना है कोई सा भी तो लाइन यहाँ पे रख सकते हो। फिर से हम लोग नया लेयर क्रिएट करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही देख सकते हो कि हमारा सामने लेयर जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग डोर लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपको डोर लिख लेना है और डोर को यहाँ पे आपको डोर का जो कलर आप यहाँ पे जो रखना चाहते हो यहाँ से आपको अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लो मेरे को कलर जो है यहाँ पे ये कलर रखना है तो ओके यहाँ पे प्रेस कर लेंगे तो हम लोगों का जो डोर का कलर होगा वो कलर हो जाएगा। फिर से आपको नया लेयर जो है क्रिएट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और नया क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे विंडो लिखना है तो विंडो आपको टाइप कर लेना है और विंडो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग का हो चुका है। फिर से आपको विंडो का कलर जो रखना हो यहाँ पे आप विंडो का कलर यहाँ पे रख सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे विंडो का जो कलर है येलो कलर रख लेता हूँ और यहाँ पे ओके आपको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने काफी सारा लेयर क्रिएट कर लिया है। आप लोगों को जब भी बड़ा ड्राइंग मिलेगा तो उसके लिए आपको लेयर जो है बहुत सारा क्रिएट करना होगा। तो मैं छोटा सा एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग लेयर को क्रिएट करते हैं, तो इसके माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या डिस्प्ले पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने बहुत सारा लेयर जो है क्रिएट कर लिया है। अब चलो एक और लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से नया लेयर क्रिएट कर लिया है। फिर से आपको यहाँ पे करना है टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वन कर देना है। टेक्स्ट वन का वन करने के बाद यहाँ पे आपको कलर ले लेना है कोई सा भी। तो यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना हो वो कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो रेड कलर लेना है तो रेड पे सिलेक्ट करके ओके प्रेस यहाँ पे कर देना है। तो हम लोगों का जो है एक लेयर और छूट चुका है तो उस लेयर को भी क्रिएट कर लेते हैं। उस लेयर का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर से हम लोग एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और उस पे हम लोग यहाँ पे वॉल लिखेंगे। वॉल का जो आपको कलर रखना हो यहाँ पे आप अपना रख सकते हो। तो वॉल का जो कलर हम लोग जनरली रखते हैं रेड ही रखते हैं तो रेड पे क्लिक करके ओके प्रेस यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे लगभग जो है हम लोगों ने लेयर जो यूज किया है इस ड्राइंग में वो क्रिएट कर लिया है अपना। अब चलिए मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो अब आप लोगों को क्या करना है अपना यहाँ से लेयर को है यहाँ से हटा देना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने ड्राइंग पे। जैसा कि मैंने आपको लेयर जो है क्रिएट करना सिखा दिया है, लेयर के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि लेयर का क्यों यूज करते हैं, अब हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेडरूम का हम लोगों ने लेयर क्रिएट किया था तो बेडरूम को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो भी लेयर हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर साइड में आ जाता है। तो फिर आपको क्या करना है इस वाले एरो पे क्लिक करना है। इस वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी हम लोगों ने लेयर क्रिएट किया था वो सभी लेयर हम लोग के सामने आ चुका है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि बेडरूम ने हम लोगों ने बेडरूम जब लिखा था तो बेडरूम का यहाँ पे हम लोगों ने जो कलर डाला था यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि हमारे सामने तो हम लोगों का यहाँ पे कलर ये ले चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस वाले बॉल का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे टर्न ऑफ करोगे तो यहाँ पे जैसे ही इसको ऑफ करोगे तो देख सकते हो कि हमारे सामने जो टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ था वो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। यहाँ पे क्यों ऑफ हुआ है क्योंकि इस पे जो हम लोगों ने लेयर जो क्रिएट किया था वो लेयर इस पे अप्लाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये ऑन ऑफ का ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ किया, इसको फिर से ऑन करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो है लेयर आ चुका है। तो यहाँ पे अब जो सेकेंड ऑप्शन है मैंने जैसा आप लोगों को बताया था फ्रिज जो यहाँ पे करोगे तब फ्रिज से क्या होगा आपका जो कलर होगा वो हट जाएगा और बेडरूम लिखा आ जाएगा फिर से। और यहाँ पे जो लॉक का है यहाँ पे लॉक करोगे तो ये मेरा जो है लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेडरूम का जो हम लोगों ने कलर रखा था तो यहाँ पे मेरा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सारे बेडरूम जो भी लिखे हुए हैं सारे बेडरूम को यहाँ पे सिलेक्ट करके यही कलर डाल देंगे। तो फिर आपको क्या करना है इस वाले पे क्लिक करना है, सारे बेडरूम को आपको सिलेक्ट कर लेना है एक बार में। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने पूरा बेडरूम को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है सिंपल सा इस वाले पे एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे लेयर यहाँ पे आ चुके हैं। फिर आपको क्या करना है बेडरूम वाले पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि सारे का जो कलर है एक टाइप का हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है एस्केप प्रेस कर लेना है।
क्या हुआ कि हम लोग कमांड से बाहर आ चुके हैं। फिर से आपको क्या करना है, बालकोनी का यहाँ पे मान लो कलर चेंज करना है, तो फिर आपको इस पे सेलेक्ट करना है, जो बालकोनी है उसको सेलेक्ट करके फिर आपको क्या करना है, एरो वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बालकोनी वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो कि हमारा बालकोनी का जो कलर है यहाँ पे मैग्नेटा कलर यहाँ पे आ चुका है। तो फिर आपको एस्केप प्रेस करना है, हम लोग इस कमांड से फिर से बाहर आ चुके हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किचन का मान लो हम लोगों को चेंज करना है, तो किचन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना किचन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो किचन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और अपना लेयर जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। तो लेयर जो है हम लोगों ने यहाँ पे किचन लिखा था, तो किचन कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि किचन यहाँ पे मेरा आ चुका है, क्योंकि सेम कलर हो गया बेडरूम का भी कलर। तो हम लोग यहाँ पे सीखने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम फिर से यहाँ पे किचन का ले लिए, तो हम लोगों ने एक अपना किचन का यहाँ पे फिर से ले लिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आप हम लोगों को टॉयलेट लेना है, तो टॉयलेट को अपना सेलेक्ट करने, जितने भी टॉयलेट है सभी टॉयलेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने टॉयलेट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से अपना लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना टॉयलेट को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो लेयर है वो अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करके बाहर आ जाना है। तो हम लोगों ने अंदर में जितने भी टेक्स्ट लिखे थे उन सभी पे लेयर जो है यूज कर लिया है। अब चलिए मैं आप लोगों को डोर पे सिखाता हूँ कि डोर पे कैसे करना है। तो फिर आपको क्या करना है, सारे डोर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जितने भी डोर है, डोर 1, डोर 2, डोर 3 और ओपनिंग डोर, सारे को सेलेक्ट कर लेना है। सबका कलर हम लोग सेम रखने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सारे जो डोर है सेलेक्ट कर लेना है। सारे डोर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना जो है डोर का जो भी आपने कलर डाला है यहाँ पे आपको कलर डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने जो है मेरा डोर का जो भी मैंने कलर सिलेक्ट किया था वो कलर यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वॉल का जो है वो कलर यहाँ पे रखेंगे। तो वॉल का कलर क्या रखने वाले हैं, चलिए हम लोग तो वॉल का कलर हम लोग कैसे रखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आप लोग जो देख पा रहे होंगे, ये आप जाली टाइप की तरह यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो ब्रिक वर्क जो यहाँ पे लाइन इस वाले लाइन के बीच में देख सकते हो, इसका जो कमांड जो है अलग होता है। और इस कमांड पे मैं एक वीडियो स्पेशली लेयर मैनेजमेंट जैसे ही हम लोग खत्म होता है अगले वीडियो में हम लोग हैचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चीज हम लोगों ने यूज किया है ये हैचिंग ही यूज किया है। तो हैचिंग का यूज कैसे करते हैं, हैचिंग का यूज क्यों करते हैं, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसका जो कलर होगा हम लोग हैचिंग से कलर अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हैचिंग का यूज किया है, तो हैचिंग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इस पे जैसे ही ले जा रहा हूँ तो ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने हैचिंग का यहाँ पे सारा ऑप्शन ऊपर में आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोगों को कलर चेंज करना है, तो बाई दी लेयर पे जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर डालना हो, तो अगर येलो डालना है तो येलो पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सामने जो हैचिंग हम लोगों ने यूज किया है वो हैचिंग का कलर यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोगों को ब्रिक वर्क में डालना है हैचिंग का कलर, तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से हैचिंग का एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, बाई दी लेयर पे जाके यहाँ पे आपको रेड कलर ले लेना है। रेड कलर जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे ब्रिक वर्क में हमारा रेड कलर अप्लाई हो चुका है। फिर आपको एस्केप प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे जो भी मैंने हैचिंग में कलर लिया वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोगों को ऊपर में जो भी टेक्स्ट जो दिख रहा है तो इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस पे सिलेक्ट करके आपको सारे जो है सेलेक्ट कर लेना है आप लोग को। तो जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है उन सभी को टेक्स्ट को ऐड करके फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाले पे क्लिक करना है। ऊपर वाले जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने एक टेक्स्ट का कलर यहाँ पे लिया था जो कि रेड कलर लिया था, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो कलर यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों हमारा जो कुछ हैचिंग में ये सब जो अप्लाई नहीं हो पाया है तो हम लोग सारे पे अप्लाई करेंगे, सेम स्टेप होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, सारे हैचिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने सारा हैचिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बाई दी लेयर पे जाके यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया फिर से रेड कलर यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सारा यहाँ पे अंदर का जो वॉल है रेड कलर का हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लिफ्ट हम लोगों ने बनाया है, तो लिफ्ट का यहाँ पे टेक्स्ट जो है
लिफ्ट का भी टेक्स्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो मान लो इस पे सिलेक्ट करके आपको लिफ्ट का जो भी कलर डालना हो तो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो। लिफ्ट का हम लोगों ने लेयर क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हम लोग लिफ्ट का यहाँ पे लेयर नहीं क्रिएट कर पाया हूँ, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे येलो कलर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लेयर मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, फिर हम लोगों को लेयर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी चीज मैंने आप लोगों को बताया, और फिर कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी प्लांट पे वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एक सिंपल सा ड्राइंग के माध्यम से मैंने आपको बताया है। कभी हम लोगों का बड़ा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो उसमें जब मैं लेयर बहुत यूज करूंगा तो उस समय मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो जो भी मैंने आप लोगों को प्लांट पे वो लेयर जो क्रिएट करके बताया वो जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टाइमिंग लेके जो बनाया है यहाँ पे देख सकते हो फुल डिटेल के साथ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे सारे लेयर जो कैसे क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे लेयर मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे और उससे यहाँ पे अप्लाई मैंने किया था। तो आप लोगों को भी सेम कंडीशन यहाँ पे रहने वाला है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और ऑफिस का जो टाइमिंग होता है बात करने का वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपका टाइमिंग है, तो आप इस बीच हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे स्टडीपी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों हमारे स्टडीपी चैनल पे जॉब की अपडेट जो है ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जॉब की अपडेट आती है, जो लोग भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से जुड़े हुए हैं इस चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारे जॉब की अपडेट देते रहता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल से जरूर जुड़ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते चाहते हैं स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।